हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक्निकल दीपेंद्री यूट्यूब चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जो एंड्रॉयड ऐप है, अपने एंड्रॉयड फ़ोन में जो आपका ऐप्स है, उसे कैसे हाइड कर सकते हैं। अगर गाइस आप भी अपना जो एंड्रॉयड ऐप्स हाइड करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखें, क्योंकि ये वीडियो 100% आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइज, जैसे कि अगर एंड्रॉयड ऐप हाइड हो जाता है, तो वो आपके लिए बहुत बेहतरीन हो जाता है कि अगर आप कोई भी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन अपने एंड्रॉयड फ़ोन में रखते हैं, तो वो एप्लीकेशन आपके अलावा और कोई भी नहीं चला सकता। तो गाइज, अगर आप भी हाइड करना चाहते हैं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। गाइज, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे इस टेक्निकल दीपेंद्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन इनेबल कर लो, क्योंकि गाइज मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके एंड्रॉयड फ़ोन में आ जाएगा। तो गाइज, सबसे पहले हमें एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा, तो आप लोग गाइज प्ले स्टोर पर जाके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज, इस एप्लीकेशन का नाम है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, क्यू लंचर। तो गाइज, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्यू लंचर आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, आप लोग प्ले स्टोर पर जाके इस एप्लीकेशन को ईजिली पा सकते हैं। तो गाइज, अब प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप लोग इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करने के बाद ओपन करें। तो गाइज, एप्लीकेशन हमारा जो है यहाँ पर ओपन हो चुका है, तो हम अब अपने सेटिंग में जाते हैं। तो सेटिंग में जाते हैं गाइज, तो हम सेटिंग में, जैसे मैं अपने सेटिंग में आ चुका हूँ। अब सेटिंग में आने के बाद गाइज, हमें यहाँ पर आप लोग यहाँ होम स्क्रीन पर जाएँ, यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा गाइज, हम गाइज मैं अपने होम स्क्रीन पे आ चुका हूँ, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। यहाँ होम स्क्रीन पे आने के बाद गाइज, आप लोगों को यहाँ, आप लोग यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पे देख रहे होंगे, डिफ़ॉल्ट लंचर आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। तो जैसे कि गाइज, हमें यहाँ पर सिस्टम लंचर यहाँ जो है, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइज, हमें यहाँ आप लोग देख सकते हैं क्यू लंचर आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइज, क्या होता है कि हमारा जो ये एप्लीकेशन है, ये जो लंचर है, वो हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में हो चुका है, सेट हो चुका है। तो गाइज, अब हम बैक करते हैं, अपने होम स्क्रीन पे जाते हैं। तो जैसे कि गाइज, आप लोग देख रहे हैं, मैं अपने होम स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अब जो मेरा एंड्रॉयड का जो सिस्टम था, वो सब चेंज हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे कि गाइज, अब ये सब चेंज हो चुका है, अब यहाँ से होने के बाद गाइज, आप लोगों को यहाँ पे अपने ऐप्स पे जाना होगा। ऐप्स पे आने के बाद गाइज, हमें यहाँ, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ऊपर 3 डॉट आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ आप लोग देख सकते हैं गाइज, यहाँ सबसे ऊपर 3 डॉट आप लोगों को दिख रहा है। तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइज, आप लोग यहाँ देख सकते हैं हाइड ऐप करके यहाँ पर शो कर रहा है। जैसे कि गाइज, हमें यहाँ पर हाइड ऐप्स यहाँ पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइज, यहाँ हम जो अपना कोई भी एप्लीकेशन जिसे हाइड करना चाहते हैं, वो यहाँ पर हाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए गाइज, आप लोगों को यहाँ नीचे प्लस का आइकन दिख रहा होगा, आप लोग यहाँ प्लस पर क्लिक करें। यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद गाइज, आप जिस एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हैं, उसे यहाँ से इजीली हाइड कर सकते हैं। जैसे कि गाइज, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्रोम को मैं हाइड कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ उसके बाद गाइज, आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है, टिक मार्क एक्टिव करना है। उसके बाद गाइज, आप लोगों को यहाँ पर सेव, नीचे सेव का बटन दिखेगा, आप लोग यहाँ सेव से क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइज, हमारा जो एप्लीकेशन है, वो हाइड हो चुका है। इसके बाद गाइज, अगर आप चाहते हैं अपने एप्लीकेशन पे सिक्योरिटी रखना, तो आप लोग यहाँ से क्लिक करके उससे सिक्योरिटी भी रख सकते हैं। आप लोगों को यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद गाइज, आप लोग यहाँ से सिक्योरिटी प्राइवेसी पे जाके आप लोग सिक्योरिटी भी रख सकते हैं। आप लोग यहाँ डेस्कटॉप आइकन, आप लोगों को डेस्कटॉप पे कैसा इसे शो करना है, स्टेटस बार हाइड करना है, आइकन लेबल, आप लोग यहाँ से सब इसका स्टाइल, लॉक डेस्कटॉप, डेस्कटॉप को भी लॉक करना है, आप लोग यहाँ से बहुत ऑप्शन पा सकते हैं। तो गाइज, जैसे कि मैं यहाँ बता देता हूँ, हमारा जो ऐप है, वो हाइड हो चुका है क्रोम ब्राउज़र। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये हाइड हुआ है कि नहीं।
तो मैं बैंक जाता हूँ। उसके बाद गाइज ये सब एप्लीकेशन आप लोगों को पता है कि यहीं पर दिखता है, सब एप्लीकेशन यहीं पर दिखता है। तो जैसे कि गाइज मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दूँ क्रोम ब्राउजर मेरा शो कर रहा है कि नहीं। तो जैसे कि अभी ऊपर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर तो अभी नहीं है, यहाँ सी से आप लोग देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर सी क्रोम ब्राउजर को यहाँ होना चाहिए लेकिन यहाँ क्रोम ब्राउजर नहीं है। और नीचे भी देख सकते हैं गाइज यहाँ भी नहीं है क्रोम ब्राउजर। तो जैसे कि गाइज मैं एक और एप्लीकेशन, जैसे कि आप लोग यहाँ कैमरा देख रहे हैं, मैं इसे भी हाइड करके दिखा देता हूँ। तो क्या करना है आप लोगों को, थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद हाइड ऐप पे क्लिक करना है। हाइड ऐप पे क्लिक करने के बाद गाइज आप लोगों को यहाँ नीचे प्लस का आइकन दिखेगा, आप लोगों को यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ गाइज आप लोगों को प्लस पे क्लिक करने के बाद जैसे कि मैं कैमरा को हाइड कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर टिक मार्क कर देना, उसके बाद आप लोगों को यस कर देना है। यहाँ से करने के बाद गाइज आपका जो ऐप है वो हाइड हो चुका है। अब हम बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद यहाँ हम अपने ऐप में जाते हैं। ऐप में जाने के बाद गाइज आप लोग देख सकते हैं अभी यहाँ हमारा जो कैमरा शो कर रहा था अभी हाइड हो चुका है। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करो, और गाइज इस वीडियो को अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ भी शेयर करो कि उन लोगों को भी पता चल जाए कि हम अपना जो आइकन है उसे कैसे हाइड करते हैं, अपना जो सॉफ्टवेयर अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसे कैसे हाइड करते हैं। तो गाइज ऐसे ही अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो और एंड्रॉयड से रिलेटेड वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे इस टेक्निकल दीपेंद्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन इनेबल करो। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।